वेलकम टू सभ्यता अग्रवाल क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर फ्रेंड्स फॉर योर वैकेंसीज टीजीटी एंड पीजीटी एंड मोस्ट अवेटेड टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज। 2016 के बाद से ये सबसे पहली वैकेंसीज हैं जो आई हैं 2020 में। इन वैकेंसीज़ को आते आते 4 साल लग गए। हालांकि इन वैकेंसीज़ की सबसे अच्छी बात क्या है कि भले ही देरी में आई हो लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आज तक अगर चयन बोर्ड ने निकाली है तो वो यही 2020 के विज्ञापन में मैंने सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस एंड एटलीस्ट 7 से 8 घंटा कम से कम आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको कोई भी पोर्शन आपको मिस नहीं करना, अपना लिटरेचर, ग्रामर एंड स्पेशली वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब आपका ये जो कंपटीशन है ये आपका इजीली निकल जाता है। कोई हार्ड नहीं, ये कंपटीशन इतना घबराने वाला नहीं है क्योंकि इसमें आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक आता है, आपके इंग्लिश से रिलेटेड आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, कठिन परिश्रम करें, वर्क हार्ड करें और आप ज़रूर सफल होंगे, इस बात को अपने अंदर विश्वास रखें, इस बात का अपने अंदर विश्वास रखें। तो यही विश्वास रखते हुए आज जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारी टेंस आपको बताए जाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, देखिए, प्रेसेडिंग एक्शन will be completely finished before succeeding action starts in future। इसे समझने के लिए हमें एक हिंदी में वाक्य आपके लिए वाक्य लिखता हूँ। मेरे आने से पहले मेरे पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे। देखिए इस सेंटेंस को समझिए। मेरे आने से पहले मेरे पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे। तो मैंने क्या कहा, प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कम्प्लीटली फिनिश्ड बिफोर सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट्स। मतलब एक एक्शन स्टार्ट्स होने से पहले एक कार्य पूरा हो चुका होगा, मतलब उसके आने से पहले उसके जो पिताजी हैं वो ऑफिस जा चुके होंगे। तो ऑफिस जा चुके होंगे और वो आएगा बाद में। तो ये फ्यूचर में इस तरीके की अगर कहीं पर सेंस है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। और फ्यूचर परफेक्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता है, चुके होंगे है ना, इस तरीके से इसमें ये पहचान होगी। और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव में विल में और शैल में वही रूल रहेगा जो आपको मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बताया है। और देखिए इसमें, इस सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना, जिसमें दो क्लॉज आएंगी इसमें एक क्लॉज बनेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब दो क्लॉज वाला सेंटेंस आएगा, टेंस आएगा, तो आपको क्या करना है, एक क्लॉज तो उसमें बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरी क्लॉज बनेगी फ्यूचर परफेक्ट में। तो जो पहले वाली ये क्लॉज है और एक फिर ये क्लॉज है, तो इसमें जो बिफोर आएगा, जैसे यहाँ पर बिफोर आ गया, बिफोर से जो पहले जो क्लॉज होगी और एक बाद में होगी, जो पहले क्लास बनेगी वो तो बनेगी फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद वाली क्लास बनेगी वो बनेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखिए बिफोर पहले का कर दिया हमने, मेरे आने से पहले मेरे पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे, अब ये बनाएंगे इसमें पहले बाद वाला, माय फादर विल हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करते हैं, माई फादर विल हैव गोन
टू ऑफिस बिफोर, अब मेरे आने से पहले आप इसे बनाएंगे बिफोर आई कम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। तो एक तो क्लास बनाई इसमें बिफोर से पहले जो आया, ये वाली क्लास जो बना दी हमने फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद वाली क्लास है बिफोर के बाद जो क्लास आई मीन्स बिफोर वाली क्लास हमने बनाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसे ध्यान रखना। और इसमें ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं होता क्योंकि फ्यूचर के टेंस ज़्यादा हार्ड नहीं माने जाते। देखिए अगर कुछ एडवर्ब्स आए ऑलरेडी, इसमें भी वही बात है ऑलरेडी सो फार टिल बिफोर, इसमें आफ्टर नहीं आता, बस ध्यान रखना इस वाले टेंस में कभी भी आफ्टर नहीं आता बिफोर। और मैंने कहा था बिफोर और वैन को हम सबसे ये एक दूसरे के रिप्लेस कर देते हैं, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं बिफोर और वैन, ऑलरेडी टिल बिफोर वैन। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाई के साथ टाइम, बाई के साथ टाइम को किस तरह, जैसे कहीं पर आ गया बाई टुडे बाय टुमारो, इस तरीके से जब बाय के साथ समय आ जाए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस तरीके से जब बाय के साथ समय आए तो जो स्पेशली जो सेंटेंस बनाएंगे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। और एक बात और ध्यान रखना, एक और पहचान रखना, अगर एक वाक्य अगर क्लास आई हुई है बिफोर की और एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है और फिर इनमें से कोई भी आया बाई के साथ कोई भी समय आया तो आप फ्यूचर परफेक्ट में वो टेंस बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को आप बना लेंगे इजीली, आई देखिए शैल हैव, आई शैल हैव डन दिस work, I shall have done this work by tomorrow. देखे I shall have done this work by tomorrow. तो मैं यह कार्य कल तक कर चुका हूँगा, तो यह सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट का है। तो फ्यूचर परफेक्ट में तो यही हुआ, इतना कुछ हार्ड है नहीं, जब आप एक्सरसाइजेस करोगे बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये इजीली कर पाओगे। देखिए मैंने आपको अब एक बार बताया था सिंस फॉर ऑल थ्रू आउट होल इट इज सिंस फॉर ऑल थ्रू आउट होल, अगर ये आए ये एडवर्ब्स आए तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होंगी, मैं आपको आगे अब बताऊँगा ये। लेकिन इनके साथ कुछ वर्ब्स आए नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड जैसे ओन नो बिलोंग हैव मीन माइंड बिलीव, ये कुछ अगर वर्ब्स आएँ तो आप परफेक्ट में नहीं बनाओगे इस, ओ आप परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में ये टेंस नहीं बनाओगे, आप ये टेंस बनाओगे फ्यूचर परफेक्ट में, मीन्स परफेक्ट में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है पास्ट परफेक्ट भी और फ्यूचर परफेक्ट भी। इन वर्ब को आप याद कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम में अगर वर्ब्स आएंगी नॉन प्रोग्रेसिव में तो मोस्टली यही वर्ब्स आती हैं एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान से इन्हें सब याद कर लेना। अब आई थिंक फ्यूचर परफेक्ट आपका अब कंप्लीट हो गया, आप एक्सरसाइजेस की करोगे तो आप इजीली से समझ जाओगे। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका
परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज बीन, हैविंग, और वर्ब में आईएनजी। ध्यान रखना जितने भी कॉन्टीन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, कोई सा भी कॉन्टीन्यूअस है, उसमें हमेशा ध्यान रखना वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब ये होगी, और पास्ट में हैड बीन, इसमें हैड हो जाएगा और वही वर्ब में आईएनजी, और फ्यूचर में, फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब में वही आईएनजी। अब हम टेंस का पता किस तरह करेंगे, कॉन्टीन्यूअस में और हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का डिफरेंस कैसे देखेंगे, क्योंकि पहचान दोनों की एक ही होती है, उसमें भी रहा है, रहे थे, रहे होंगे, इसमें भी यही होगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी और सिंपल कॉन्टीन्यूअस में भी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा। देखिए अगर कॉन्टीन्यूअस टेंस है, अगर कॉन्टीन्यूअस टेंस है और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया, कॉन्टीन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया, कोई भी कॉन्टीन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो वो हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। देखिए अब इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल कॉन्टीन्यूअस और टाइम एक्सप्रेशन के एक एग्जांपल देखिए, जैसे आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मैं सुबह से कार्य कर रहा हूँ, तो वैसे तो इसमें रहा हूँ आ गया, अगर इसमें सुबह से नहीं आता, सिंस मॉर्निंग नहीं आता, मैं कार्य कर रहा हूँ तो आई एम वर्किंग हो जाता सिंपल, लेकिन इसके साथ आ गया टाइम एक्सप्रेशन, अगर टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। वो यही रूल प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए, तीनों टेंस के लिए अप्लाई होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कुछ इसमें आप बहुत आपके लिए ईजी रहेगा ये समझना कि ये टेंस परफेक्ट का है या नहीं है, ये जो एडवर्ब्स हैं सिंस फॉर होल, देखो मैंने अब मैं जब से बताता आ रहा हूँ अब इनका यूज यहाँ है, होल थ्रू आउट, सिंस फॉर होल ऑल थ्रू आउट ऑल अलोंग, देखिए अगर ये वर्ड्स आए, ये वर्ड्स हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज होंगे, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में ये वर्ड्स यूज होंगे, और ये सजेस्ट करते हैं टाइम को, ये सब सजेस्ट करते हैं समय को। तो ये और सिंस और फोर तो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं सिंस और फोर, सिंस तो हमेशा निश्चित समय के लिए और फोर अनिश्चित समय के लिए, ये आप सबको पता ही है। तो इनमें से अगर कोई भी टेंस में आ रहा है वर्ड, तो इसका मतलब ये मान लीजिए इसमें कोई भी एडवर्ब आ रही है, समय को, समय का बोध करा रहे हैं, तो आपको परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ही टेंस बनाना है।
लेकिन कुछ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ओन, हैव, बिलोंग, मीन, माइंड, बिलीव, इस तरीके की जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, वे उनमें हम ये यूज नहीं करेंगे, भले ही उसमें हम ये यूज नहीं करेंगे, उसमें हम बनाएंगे सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आप बुक्स में अच्छे से पढ़ना, और आपका ये टॉपिक भी अब कंप्लीट हो गया। आपके एक्सरसाइज में एक सेंटेंस सबसे ज़्यादा बार आएगा, वो आप एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखिए, अगर वाक्य में सिंस आया हुआ है और सिंस वाली क्लास पास्ट में है, तो ये वाली जो क्लास है इससे पहले वाली, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर ये बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए, आई हैव नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला, सिंस ही वेंट टू दिल्ली, जब से वो दिल्ली गया है मैं उससे नहीं मिला हूँ। तो अगर सिंस वाली ये वाली क्लास पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये वाली जो क्लास है ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगी। ये भी इम्पोर्टेंट रूल है। अब देखिए, आप एक्सरसाइज करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है, तो आप उस पर मुझे कमेंट करें, या फिर आप मेरे से पर्सनली फ़ोन पर फ़ोन कर भी पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। और आप ये एक्सरसाइज कीजिए, आपका फंक्शन ऑफ टेंसेस, ये जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट चैप्टर था एस पी बख्शी की बुक का, ये आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना, कंपटीशन क्रैक करने के लिए एस पी बख्शी की बुक सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक टू मेक योर सेल्फ सक्सेस। सक्सेस होने के लिए आपको किसी भी लेवल के कंपटीशन में एस पी बख्शी की बुक सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। यही आपको, इसी से आपको वोकैब भी कंप्लीट हो जाएगी, इसी से आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी एक्सरसाइजेस इतनी इंपॉर्टेंट है, आप एक्सरसाइजेस का एक एक सेंटेंस बहुत ध्यान से देखना। इवन एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि जो इनके टेंसेज, इनके जो सेंटेंसेज होते हैं, वे जो के तो एग्ज़ाम में रख दिए जाते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा आपके लिए, आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ सोभित अग्रवाल।